नाजरीन इस वक्त हम मौजूद है कराची जमखाना क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां करप्शन फ्री के नाम से यहां पर टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। ये टूर्नामेंट का आगाज़ कराची शहर से ही है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वक्तन फवक्तन इसके टूर्नामेंट जारी रहेंगे, इसके मैचेस खेले जाएंगे। इसमें 40 से ज़ायद टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कंपनियों से है। और बहुत ही इसके अंदर एक ज़बरदस्त बात, जो कि अंपायर और जितने प्लेयर्स हैं और जितनी मैनेजमेंट है, ये तमाम के तमाम किसी न किसी कंपनी से ताल्लुक है। आइए मज़ीद जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे, टीम माशाल्लाह जीती है आपकी? नसीब बैठो है, कोई जीते आ रहे नहीं, मकसद अच्छा है जिस चीज़ का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, टीम माशाल्लाह जीती है आपकी? नसीब बैठो है, कोई जीते आ रहे नहीं, मकसद अच्छा है जिस चीज़ का। ठीक, कराची में सजा एक रंगारंग करप्शन फ्री क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें 40 कंपनियों ने लिया हिस्सा। कराची जिमखाना ग्रीन टीम ने ब्लू टीम कॉरपोरेशन टीम को शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच जान जेब करार पाए। डॉक्टर ईसा लैब और कराची जिमखाना के ज़ेरे एहतमाम बोर्ड नैब के तआवुन से कराची जिमखाना में खेले गए टूर्नामेंट में के मेहमान खुसूसी डीजी नैब पाकिस्तान तारिक हमीद भट्ट, डीजी नैब कराची जावेद अकबर रियाज, फॉर्मर डीजी नैब कराची अब्दुल हफीज़, डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन नैब जावेद अहमद खान, डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह, CEO ईसा लैब प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, ऑनररी सेक्रेटरी कराची जिमखाना जाम नफीस ने शिरकत की। कैमरामैन शहजाद कादिर के साथ मोहम्मद रेहान, डेली न्यूज़ रिपोर्टर कराची।